है, अपन स्टार्ट करते हैं आज फिजिकल लेयर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, फिजिकल लेयर स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया DTE डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट और DC डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। ठीक है, दोनों समझ में आया? दोनों क्लियर था क्या सभी को? ओके, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं फिजिकल लेयर स्टैंडर्ड्स, इसी को हम लोग DTE DC स्टैंडर्ड्स भी बोलते हैं या फिर डेटा इंटरफेस स्टैंडर्ड्स भी बोला जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता है कभी भी कि डेटा इंटरफेस स्टैंडर्ड्स क्या होता है, ठीक है, या फिर फिजिकल लेयर स्टैंडर्ड्स क्या होता है, ठीक है, तो सबका आंसर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखो DTE DC इंटरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ने दो टाइप के इक्विपमेंट देखे थे, कौन कौन से? डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट और डेटा टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट। ठीक है, दो टाइप के इक्विपमेंट हम लोग देखे। ठीक है, तो डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट जो होता था वो हम लोग जितने भी क्या बोलते हैं, रूटर, स्विच, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं उसको डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट बोला जाता था। डेटा सर्किटिंग टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट मतलब, या फिर डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मतलब जो मॉडेम्स है वो। ठीक है, अब दोनों को इंटरफेस कैसे किया जाता है, दोनों को कैसे इंटरफेस किया जाएगा, ठीक है, कैसा मीडियम यूज़ होगा, कैसा फॉर्मेट यूज़ होगा कि दोनों में सिग्नल ट्रांसमिट किया जा सके, ठीक है, वो चीज़ हम लोग इस इंटरफेस में जानेंगे। ठीक है, कुछ इंटरफेस के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, डेटा सर्किटिंग टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट में यहाँ पे देयर आर यूजुअली फोर बेसिक फंक्शनल यूनिट इन्वॉल्विंग इन द कम्युनिकेशन ऑफ डेटा, DT एंड DC ऑन द वन एंड एंड DT ऑन द अदर एंड एज शोन इन फिगर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में फिगर होगा। ठीक है, द DT जनरेट्स द डेटा एंड पासेस देम अलोंग विथ एनी नेसेसरी कंट्रोल कैरेक्टर्स टू ए DCE। ठीक है, DT क्या करता है, डेटा जनरेट करता है। ठीक है, DT मतलब डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट जो होता है वो क्या जनरेट करेगा, डेटा जनरेट करेगा एंड उसको पास कर देगा, ठीक है, जितने भी कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं उसके साथ में DCE को। ठीक है, देन DCE कन्वर्ट द सिग्नल टू ए फॉर्मेट अप्रोप्रिएट टू द ट्रांसमिशन मीडियम एंड इंट्रोड्यूसेस इट ऑन टू द नेटवर्क लिंक। ठीक है, DCE का काम क्या है, सिग्नल को अपने फॉर्मेट में वो चेंज करता है ताकि वो ट्रांसमिशन मीडियम के साथ उस नेटवर्क लिंक को यूज़ करके ट्रांसमिट कर सके। ठीक है, DCE मतलब मोडेम, ठीक है, उसके अंदर मोडेम आता है। तो मोडेम का काम क्या होता है कि वो सिग्नल को कन्वर्ट करे। ठीक है, कैसे सिग्नल कन्वर्ट करे, उसमें अप्लाई करेगा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर उसके अंदर लगा होता है जो कि डिजिटल टू एनालॉग चेंज करता है और एनालॉग टू डिजिटल चेंज करता है। ठीक है, दोनों सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा, प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करेगा और जो भी उसमें ट्रांसमिशन मीडियम होगा या वायरलेस होगा या फिर वायर्ड होगा, ठीक है, तो उसमें वो ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, लास्ट है यहाँ पे, व्हेन द सिग्नल अराइव्स एट द रिसीविंग एंड दिस प्रोसेस इज रिवर्स्ड। ठीक है, जब भी कोई सिग्नल आता है, कोई भी रिसीविंग एंड्स होता है, मतलब मान के चलो हम लोग ने यहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग चेंज किया, ठीक है, जो रिसीव कर रहा है वो क्या करेगा, एनालॉग टू डिजिटल चेंज करेगा। ऐसे समझ में, हम लोग ने डिजिटल डेटा सेंड किया, वायर के थ्रू जा रहा है तो कैसे जाएगा, एनालॉग सिग्नल के थ्रू जाएगा। ठीक है, पूरा वायर में ट्रैवल हुआ, जो रिसीव करने वाला है, ठीक है, वो वायर से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो वो कैसे रिसीव करेगा उसको, ठीक है, सबसे पहले कन्वर्ट करेगा, कैसे कन्वर्ट करेगा, एनालॉग टू डिजिटल। ठीक है, तो रिसीविंग एंड जो होगा उसका प्रोसेस रिवर्स होगा। ठीक है, किसका माइक जो है,
ठीक है, क्लियर समझ में आया इतना कैसे इंटरफेस किया जाता है? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, डीटी समझ गए हो, डीसी भी समझ गए हो। ठीक है, अब इसकी इंटरफेस पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये डायग्राम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप लोग को बुक कौन सी मिली हुई है कॉलेज से? कौन सी बुक मिली हुई बताओगे क्या? बताओ। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, कौन सी है? फोरजन है क्या? बैरोज ए फोरजन ऐसे लिखा होगा, टाटा सेकंड सेकंड एडिशन। ठीक है, फोर्थ मिला है क्या? फोर्थ में शायद टॉपिक नहीं होगा ये वाला। ठीक है, तो सेकंड एडिशन के पेज नंबर 152 में दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर खोलोगे 144 से लेके 152 में आपके स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक का इंटरनेट में कहीं नोट्स नहीं मिलेगा, बुक में सबसे अच्छा दिया हो, बुक का ही है ये जो यहाँ पे पीपीटी देख रहे हो, बुक का ही पीपीटी है। एंड्रयूएस की बुक में देखना पड़ेगा क्योंकि फ्रोजन से ही दिया हुआ होता है। एंड्रयूएस में देख लूँगा मैं। ठीक है, कौन सा है वो? टेनेनबॉम है क्या? एंड्रयूएस है, टेनेनबॉम है वो, उसमें देखना पड़ेगा कहाँ पे दिया होगा, शायद उसमें भी दिया हुआ है ना। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, अगर ये टॉपिक पढ़ना होगा तो फोरजन में ही दिया हुआ है और बहुत अच्छे से दिया हुआ है इसमें। ठीक है, मैं थोड़ा, हाँ 145 में है। ठीक है, और स्टैंडर्ड्स अगर देखोगे तो स्टैंडर्ड्स आपको दिया है 152 में, अदर इंटरफेस स्टैंडर्ड्स है ना, मतलब तो पूरे स्टैंडर्ड्स के बारे में ही दिया है इसमें। ठीक है, 145 में भी दिया है स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अदर स्टैंडर्ड्स में आ गया। ठीक है, मेन स्टैंडर्ड्स यही है। ठीक है, तो यही डायग्राम दिया हुआ है देखो यहाँ पे 145 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो काम कैसे करता है, ये हमारा नेटवर्क है। ठीक है, ये डीटीए है, ठीक है, जो कि हमारा कंप्यूटर टर्मिनल फैक्स प्रिंटर ये सारी चीज़ें। ठीक है, डीसी जो होगा वो मॉडेम होगा। ठीक है, कंप्यूटर में लगा होता है मॉडेम, मतलब डीटी किससे कनेक्ट होगा? डीसी से कनेक्ट होगा। ठीक है, मतलब ये अपने आप में एक पेयर बनेगा। क्या बनेगा? अपने आप में एक पेयर बनेगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद डीसी जो होता है डायरेक्ट नेटवर्क से कनेक्ट होता है, मतलब जितने भी जो भी डिवाइसेस हम लोग लगाएंगे वो इस मीडियम से जाएंगे, और जो यहाँ पे रिसीवर होगा, ठीक है, वो इसका प्रोसेस उल्टा चलाएगा। अगर यहाँ डीसी कनेक्ट है, ठीक है, अगर यहाँ डीसी कनेक्ट है, ठीक है, वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट है, और अगर रिसीवर जो है हमारा वो भी सबसे पहले डीसी से कनेक्ट होगा, वो सिग्नल चेंज करेगा, फिर अपना डीसी से जो भी प्रोसेस करना होगा वो डेटा एक्सेस करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, डीटी डीसी स्टैंडर्ड्स ट्राई टू डिफाइन द मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनेक्शन बिटवीन द डी टी एंड डी सी। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे प्रोसेस होगा, यहाँ पे जो रिसीवर एंड होगा उसमें रिवर्स होता है। ठीक, अभी पूरा पूरा इसमें हम लोग डी टी डी सी के इंटरफेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो, ओवर द ईयर्स मैनी स्टैंडर्ड्स हैव बीन डेवलप्ड टू डिफाइन द कनेक्शन बिटवीन ए डी टी एंड डी सी। ठीक है, थ्रू दिस सॉल्यूशन डिफर ईच स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स ए मॉडल फॉर द मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कनेक्शन। ठीक है, अब डी टी और डी सी दोनों अलग अलग टाइप के डिवाइसेस होते हैं, दोनों को कनेक्ट करने के लिए स्टैंडर्ड्स फॉलो किया जाता है। ठीक है, उसी स्टैंडर्ड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं फिजिकल लेयर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब फिजिकल लेयर स्टैंडर्ड्स में
एक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, EIA, ठीक है, एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स कमेटी, ITU जिसको बोलते हैं, ये सब EIA स्टैंडर्ड्स और ITU स्टैंडर्ड्स हम लोग ने पहले भी देखा था, ठीक है, याद आ रहा है क्या? नोट्स में हम लोग ने देखा था फर्स्ट यूनिट पे, ठीक है, EIA वहाँ पे भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग, वो भी स्टैंडर्ड्स थे, ठीक है। तो EIA जो होता है वो अपने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स यहाँ पे डिफाइन करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर EIA स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यहाँ EIA 232, EIA 442, EIA 449 एंड सो ऑन, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। ITU ने जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे उसको V सीरीज़ बोला था और X सीरीज़ बोला था, ठीक है, X.21, V.2, इस टाइप से यहाँ पे स्टैंडर्ड्स बनाए गए, ठीक है। तो EIA एक स्टैंडर्ड्स बनाया था और दूसरा ITU ने एक स्टैंडर्ड बनाया था, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आता है EIA 232 इंटरफेस, ये भी एक प्रकार का स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो EIA के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। देखो, EIA 232 इज वन इम्पॉर्टेंट इंटरफेस स्टैंडर्ड डेवलप बाई EIA विच डिफाइन्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरफेस बिटवीन DT एंड DC, ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड फंक्शनल, ठीक है। ओरिजिनली इशूड इन 1962 एज RS 232 स्टैंडर्ड, रिकमेंडेड स्टैंडर्ड, द EIA 232 हैज़ बिन रिवाइज्ड सेवरल टाइम, बहुत बार उसने चेंज किया। 232 में क्या हुआ था, बना था, ठीक है, उसके बाद बहुत बार उसमें अपडेशन हुए, चेंजेस होते गए, ठीक है। द मोस्ट रिसेंट वर्जन EIA 232D डिफाइंस नॉट ओनली द टाइप ऑफ कनेक्टर टू बी यूज बट ऑल्सो द स्पेसिफिक केबल एंड प्लग्स एंड द फंक्शनैलिटी ऑफ ईच पिन, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे EIA 232D वर्जन, ठीक है, कौन सा वर्जन है, EIA 232 वर्जन डी, ठीक है, ये लेटेस्ट वर्जन है। अब कौन से ईयर का था लेटेस्ट वर्जन नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं हम लोग। 1962 मतलब बहुत पुराना हो गया, आज से लगभग लगभग कितना साल हो गया, 40-60 साल हो गए, ठीक है। मतलब अगर लास्ट भी अपडेट हुआ होगा तो 1980s के आसपास या फिर 90s के आसपास वो अपडेट हुआ होगा। अगर रिसेंट वर्जन की अगर बात कर रहे हैं तो, अगर मान के चलो, ये बुक कब लिखा था, इसमें देखते हैं कौन से ईयर का बुक है, ये ईयर 2001 का है, 2003 का है, ठीक है। मतलब एट लास्ट उसने अपडेट किया होगा 2002 या फिर 1 पे अपडेट किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट वर्जन रहा होगा EIA 232D वर्जन था, ठीक है, उसने अपने टाइप ऑफ द कनेक्टर, जो कनेक्टर वहाँ पे यूज़ किया जाता था उसके बारे में बताया था, और जो केबल एंड प्लग्स यूज़ किए जाते थे उसके बारे में भी बताया यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन होता था उस इंटरफेस का, देखो यहाँ पे जो इंटरफेस की हम लोग बात कर रहे हैं वो एक फिजिकल कनेक्टर था, जिसको हम लोग सीरियल कनेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर इसकी मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन की बात करें, ठीक है, EIA 232 स्टैंडर्ड डिफाइन द इंटरफेस एज ए 25 वायर केबल विथ ए मेल एंड फीमेल DB25 पिन कनेक्टर अटैच टुगेदर एंड इधर एंड द लेंथ ऑफ द केबल मे नॉट एग्जिट 15 मीटर्स, ठीक है। DT और DC को कनेक्ट करने के लिए एक सीरियल केबल का यूज़ किया गया, जिसमें 25 वायर केबल होते थे मेल एंड पे, और फीमेल एंड पे DB25 पिन कनेक्टर होता था, ठीक है। तो सीरियल केबल अगर हम लोग इससे बात करें, EIA यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलेगा पिन,
इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप के पिन्स होते हैं इसमें, डेटा पिन्स, ठीक है, अलग अलग टाइप के पिन्स होते हैं, ठीक है। तो ये सीरियल कनेक्शन होते हैं। कैसे टाइप के कनेक्शन होते हैं? सीरियल कनेक्शन होते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं इसमें, ठीक है। तो कितने उसमें वायर होते हैं? 25 वायर होते हैं, ठीक है, मेल एंड पे, और फीमेल एंड पे 25 पिन कनेक्टर होते हैं, क्लियर, ठीक है। ए डी बी 25 कनेक्टर इज ए प्लग विथ 25 पिन्स और रेप्टिकल्स, ईच ऑफ विच इज़ अटैच टू ए सिंगल वायर विद अ स्पेसिफिक फंक्शन। विद दिस डिज़ाइन ई आई ए हैज़ क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ 25 सेपरेट इंट्रैक्शन बिटवीन डी टी एंड डी सी, ठीक है। अब यहाँ पे 25 वायर है और 25 पिन कनेक्टर है, दोनों आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तभी इंटरफेस हो पाता है, ठीक है। तो 25 अलग अलग इंट्रैक्शन कर पाए, इसलिए यहाँ पे 25 पिन्स बनाए गए, यहाँ पे 25 वायर्स बनाए गए, ठीक है, क्लियर, ठीक है। द ई आई ए 232 कॉल्स फॉर 25 वायर केबल टर्मिनेटेड एट वन एंड बाय मेल कनेक्टर एंड अदर एंड बाय फीमेल कनेक्टर, ठीक है। एक साइड जो होता था वो मेल कनेक्टर होता था, सेकंड एंड जो होता था वो फीमेल कनेक्टर होता था, ठीक है। सिंपली आज के ज़माने का अगर वीजीए केबल हम लोग देखें, वीजीए केबल सब लोग जानते हो, जानते हो कि नहीं? कितना पिन होता है उसके अंदर, कितने पिन्स होते हैं? ठीक है, 15 पिन्स होते हैं उसमें, 15 15 होता है, ठीक है, 5 5 के 3 लेयर होते हैं उसमें, ठीक है, 15 पिन्स होते हैं। वैसे ही टाइप का सीरियल कनेक्टर रहता है जिसमें 25 पिन्स होते हैं, या फिर 25 उसमें वायर्स होते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग वो डेटा ट्रांसमिट करता है। हाँ, वैसे ही आता है, वैसे ही, ठीक है। अगर इसको देखें, मैं दिखाऊँ, ठीक है, क्या था, ई आई ए 232 है ना, ई आई ए 232, ठीक है, इसका इमेज देखते हैं।
हेलो, आवाज़ आ रही है क्या? ये देखो, इस टाइप का होता था, ठीक है? यहाँ पे दिखेगा, इस टाइप का पिन होता था, ठीक है? इस टाइप का कनेक्टर होता है, ठीक है? अब पुराने ज़माने का तो इसमें भी इमेजेस वगैरह उतनी है नहीं, लेकिन डायग्राम बना बना के दिखाया हुआ है, है? अगर इस टाइप का पोर्ट की अगर बात करें अपन, तो इस टाइप का एक पोर्ट होता था यार, ऐसी एक सीरियल पोर्ट। नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। अभी आया क्या? ठीक है, कोई एक इस प्रकार का पोर्ट होता है, ठीक है, पुराने ज़माने का, इसलिए यहाँ पे पिक्चर नहीं दिख रहा है उसका, ठीक है, कुछ इस प्रकार का ही पोर्ट होता है वो। ही नहीं रहा, ब्लैक कलर में दिया हुआ है। ठीक है, ये दिख रहा है क्या? ठीक है, 25 पिन मेल है ये, इस टाइप का, ठीक है, पिन्स होते हैं इसमें, ठीक है, ये 25 पिन फीमेल कनेक्टर है, ठीक है, ये कनेक्टर जो है इसमें फंसता है, ठीक है, ये 9 पिन मेल है सीरियल कनेक्शन के लिए, ये 8 पिन है जो आज भी बहुत सारे उसमें माउस वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाँ, ये 9 पिन है, 9 पिन, ये PS2 के लिए हो सकता है। 9 पिन वाला जो होता था PS2 के लिए यूज़ होता था, जो गेमिंग वगैरह होता था कंसोल्स, उसके लिए ये सब सीरियल ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये तो आप वापस से अपने इसमें आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो कनेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें दो टाइप के कनेक्टर होंगे, एक मेल फीमेल, ठीक है। फिर उसे इन द DB25 कनेक्टर, दीज पिन्स एंड ट्यूब्स आर अरेंज इन 2 रोज विद 13 ऑन द टॉप एंड 12 ऑन द बॉटम, ठीक है। 13 कहाँ होगा? ऊपर होगा, ये वाला जो है ये 13 पिन्स है, काउंट कर लो, ये 1 से लेके 13 तक, ठीक है, 1 से लेके 13 तक, ठीक है, और नीचे 14 से लेकर 25 तक, क्लियर? 13 प्लस 12 कितना हो गया? 25 हो गया। तो डिस्टरबेंस आ रहा है क्या बहुत? अरे, बगल में एक जनरेटर चल रहा है ना, हेलीकॉप्टर। चलो ठीक है, इतना समझ गए ना। ठीक है, तो हम लोग इसमें आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। बस मतलब पूरे के पूरे इंटरफेस में जो है ना, उस केबल के बारे में बात किया गया, ठीक है। आप देखो, द इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डिफाइंस द वोल्टेज लेवल एंड द टाइप ऑफ सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड इन ईदर डायरेक्शन बिटवीन द DT एंड DC, ठीक है। कुछ वोल्टेज लेवल्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, कोई ना कोई एक वोल्टेज लेवल होगा, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, जितना भी है उतना, ठीक है। फिर सेंडिंग द डेटा, द इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन फॉर सेंडिंग डेटा इज शोन इन द नेक्स्ट फिगर, ठीक है। EI-232 स्टेट्स दैट ऑल द डेटा मस्ट बी ट्रांसमिटेड एज लॉजिकल वंस एंड जीरोज कॉल मार्क एंड स्पेस, ठीक है। यहाँ पे जितने भी डेटा सेंड हो के इस इंटरफेस को यूज़ करके,
वो हमेशा लॉजिकल वंस या फिर जीरोज में ही होंगे, जिसको हम लोग मार्क एंड स्पेस बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो लॉजिकल वंस जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे मार्क, ठीक है, और जीरोज जो होंगे उसको हम लोग बोलेंगे स्पेस, ठीक है। यूजिंग एन आर जेड एल एनकोडिंग विद जीरो डिफाइंड एज पॉजिटिव वोल्टेज एंड वन डिफाइंड एज नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है। जीरो किसको डिफाइन करेगा? पॉजिटिव वोल्टेज को डिफाइन करेगा, ठीक है, और वन किसको डिफाइन करेगा? नेगेटिव वोल्टेज को, ठीक है। एन आर जेड मतलब क्या है बताएं? नॉन रिटर्न जीरो, जो हम लोग पढ़े थे याद है, पोलर बाईपोलर ये सब हम लोग पढ़े थे, ठीक है, वो है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, हाउ एवर रेदर देन डिफाइनिंग ए सिंगल रेंज बाउंडेड बाय हाईएस्ट एंड लोएस्ट एम्पलीट्यूड्स, EIA 232 डिफाइन टू डिस्टिंक्ट रेंजेस, वन फॉर पॉजिटिव वोल्टेज एंड वन फॉर नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है। जिस प्रकार का वो एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, मतलब एम्पलीट्यूड क्या है, ऊपर नीचे ऐसे जाता है, जिस प्रकार का एम्पलीट्यूड होगा अगर वन या फिर जीरो, ठीक है, तो वन किसके लिए रहेगा? पॉजिटिव वोल्टेज के लिए रहेगा, और एक नेगेटिव वोल्टेज के लिए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, टू बी रिकॉग्नाइज एज डेटा द एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिग्नल मस्ट फॉल बिटवीन 3 and 15 volts और बिटवीन -3 and -15 volts बाई अलाउिंग वैलिड सिग्नल टू फॉल विद इन 2 12 volt ranges, ठीक है। 3 से लेके 15 volts तक रहेगा पॉजिटिव में, नेगेटिव में रहेगा -3 से -15 volts, ठीक है, मतलब इन्हीं के बीच में ही वो वोल्टेज रेंजेस चेंज करेगा, जो भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जीरोज या वंस है उसके अकॉर्डिंग वो वोल्टेज को चेंज करेगा, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे देखो, सेंडिंग डेटा यहाँ पे कर रहा है, ये वोल्टेज की लाइन है, ठीक है, -15 से लेके +15 तक जाएगा, ठीक है, और मेन रेंजेस कहाँ से कहाँ तक रहेगी? -3 से लेके -15 तक और +3 से लेके +15 तक, ठीक है। और जो 0 से लेके +3 में रहेगा और 0 से लेके -3 में रहेगा वो अनडिफाइंड एरिया होता है, ठीक है। अलाउबल एरिया कौन कौन सा है? पॉजिटिव साइड में +3 से +15 तक और -3 से -15 तक। इसमें यूज़ होता है एन आर जेड एल एनकोडिंग। जो यहाँ डेटा सेंडिंग की एनकोडिंग होगी वो कौन सा यूज़ होगा यहाँ पे? एन आर जेड एल एनकोडिंग होगी, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कंट्रोल टाइमिंग, ठीक है, कंट्रोल एंड टाइमिंग, ठीक है। ओनली 4 wires आउट ऑफ द 25 अवेलेबल इन EIA 232 इंटरफेस आर यूज्ड फॉर डेटा फंक्शंस। सिर्फ 4 wire यूज़ होगा डेटा के लिए, ठीक है। जो बच गए 21 wire जो है वो कंट्रोल टाइमिंग, ठीक है, कंट्रोल के लिए यूज़ होगा, टाइमिंग के लिए यूज़ होगा, ग्राउंडिंग के लिए यूज़ होगा एंड टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अलग अलग वायर जो है अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होगा, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं इसमें। कंट्रोल अगर है यहाँ पे, ठीक है, ये वोल्टेज है। अलाउबल एरिया कौन सा है? +3 से लेके +15 तक, ठीक है, यहाँ पे ऑन होगा। माइनस में चल जाएगा, मतलब -3 से लेके -15 तक वो ऑफ कंडीशन होगा उसका, ठीक है। अब फंक्शनल स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 different इम्प्लीमेंटेशन होता है इसका, ठीक है। एक होता है DB25 और DB9, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? DB25 और DB9, 2 type के फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक समझ में आया? तो EIA 232 जो कनेक्टर होता है उसमें 25 पिन्स होते हैं,
ठीक है, डेटा सेंडिंग के लिए यूज़ होता है फर्स्ट 4 पिन्स, ठीक है। बाकी जो 21 पिन होते हैं वो कंट्रोल के लिए यूज़ होता है, टाइमिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और ग्राउंडिंग एंड टेस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। क्लियर? इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो 2 तरीके से होता है, DB25 और DB9, जिसके बारे में हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी 1 ही मिनट बचा है, तो कल इसको फ्रेश स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसी कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? सबको समझ में आया? ओके, चलो फिर आज की सभा फिर यहीं समाप्त करते हैं।